हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री राधे। कैसे हैं सब? हम उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ये चल रही है मॉर्निंग की सफाई, मतलब मंदिर की पूजा से पहले नहाकर आ गई हूँ और सारे मंदिर को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, टाइल्स वगैरह को। वैसे तो हम डेली सफाई करते हैं, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है तो वो त्यौहार वगैरह पे ही की जाती है। तो आज राधा अष्टमी है और जो पहले वाली वीडियो थी वो राधा अष्टमी से एक दिन पहले की थी, जो मैंने आपको दिखाया था उसमें राधा अष्टमी। तो आज मैं अपना दिखाऊंगी, मैंने राधा रानी को कैसे श्रृंगार किया, कैसे अपना व्रत किया, तो वो सब मैं आज आपको दिखा दूंगी। तो सबसे पहले हो गई है मेरे मंदिर की सफाई, तो ये सुबह की पूजा कर लेंगे। तो राधा रानी को हम नहीं जगाएंगे, वो सोती रहेंगी। उनका जन्म 12 बजे होगा तो उनको 12 बजे जगाऊंगी। और ये बर्तन मैंने मंदिर के सारे साफ़ कर दिए हैं, तो चौकी लगा दी है और अब 12 बज गए हैं। तो बस राधा रानी को जगा देते हैं और उनका जन्म भी हो गया है। तो बरसा ने बजत बंधाई, कीरत ने लाली जाई। तो आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, आप बहुत बहुत शुभकामनाएं राधा अष्टमी की। राधा रानी की सब पर कृपा रहे और आशीर्वाद रहे। तो राधा रानी को हम पंचम अभिषेक करा देते हैं, तो घी से, दूध से और शहद से, गंगा जल पानी से ये पंचामृत हो जाएगा। तो बस ऐसे ही हम कान्हा जी को करते हैं जन्माष्टमी पे, तो वही हम राधा रानी को। तो अब गंगा जल में थोड़ा पानी लेके और अच्छे से साफ़ करके नहला दिया है, तो अब बस पहुंच के व्यस्त राधा रानी को कपड़े वगैरह पहनाएंगे। तो आज का जो दिन है, जो राधा रानी को हम पोशाक पहनाएंगे, वो है नीले कलर की लेकर आई हूँ मैं न्यू। तो नीला कलर आज के दिन पहनाया जाता है राधा रानी के लिए। वैसे जितनी जानकारी होती है उतना तो कर ही लेते हैं। तो बस अच्छे से अब मैंने राधा रानी को कच्छा पहना दिया। हम ज़रूर पहनाते हैं कच्छा वगैरह, कोई लोग तो मैंने देखा है कि कुछ नहीं, खाली ऊपर से पोशाक पहना देते हैं। पहले हम लंगोटी लगाते थे, लंगोटी लगाएं या फिर कच्छा पहनाएं, एक चीज़ तो आप कच्छा पहनाने लग गए हैं, दोनों को ऐसे खाली नहीं छोड़ते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो ये नीले वाले पोशाक मैं लेकर आई थी अपनी राधा रानी को। और चौकी पे देखो मैंने सारा जो सिंगार है माता रानी का, 16 सिंगार तो नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ जो मेन चीज़ होती हैं उनको मैं लेकर आई हूँ। और एक बिंदी लगा देती हूँ अपनी राधा रानी को, बिंदी लगा दूँगी, सिंदूर लगा दूँगी, पूरा अपनी राधा रानी का सिंगार जो का मैं कर दूँगी। और अब मांग भर देते हैं मैया की। तो बहुत महत्व है आज के दिन का, बहुत ज़्यादा। आप चाहें 10 एकादशी कर लो और आज का व्रत कर लो तो बराबर है। जो देवकी नंदन ठाकुर जी हैं उनकी मैं कथा सुनती हूँ, तो उन्होंने बताया था कि आज का जो व्रत है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो आज सभी को व्रत करना चाहिए राधा अष्टमी। जो जन्माष्टमी करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी, तो उसको राधा अष्टमी भी करना चाहिए। तो आज तो बहुत ही अच्छा दिन है। और कलश है जो, उसको मैंने स्थापना कर दी है। कलश पे एक कटोरी चावल रख दूँगी और अशोक के जो पत्ते हैं वो लगा दिए हैं। और चावल का मैंने पहले सातिया बनाया था, फिर उसके ऊपर मैंने रखा था कलश। और अब मैया का भोग लगा देती हूँ। तो आज माता रानी का जो भोग है वो हम अन्न नहीं खाते, तो हम अन्न का नहीं लगाएंगे। हमारा व्रत कल खुलेगा, कई लोग 12 बजे व्रत खोल देते हैं। तो फल फ्रूट का और मिठाइयाँ का माता रानी को मैं भोग लगा दूँगी, अन्न का भोग नहीं लगाऊँगी। तो बस ये मेरी सिंपल तरीके से जो मैंने माता को नहलाया, पूजा करी। अभी तो दीप वगैरह जलाऊँगी, एक दीपक जलेगा कलश के ऊपर और एक जलाऊंगी आरती करने के लिए अलग से। उस दीपक को मैं नहीं छेड़ूंगी, उससे नहीं आरती करूंगी, दूसरा दीपक मैं जला लूंगी। और
कम से कम दीपक 2 या 3 घंटे जलना चाहिए। तो मैंने तो शाम तक ही माता रानी के आगे जो दीप जलाए थे वो शाम तक जले थे, तो बड़ा अच्छा लगा था। और अब आरती कर देते हैं, सारा काम हो गया, क्योंकि मुझे अभी कराना है कीर्तन माता रानी के जन्म की खुशी में। तो कीर्तन तो भाई बनता ही है, तो आज कराएंगे कीर्तन। और मैंने रख दी है दक्षिणा, तो ये हो गया है मेरी माता रानी का सब। तो आप जितनी भी हो सके सूट साड़ी कुछ भी रख सकते हैं, तो मैंने पैसे रख दिए हैं और श्रृंगार, तो वो मैं कीर्तन वाली आएंगी या किसी पंडितानी को मैं दे दूँगी। और ये हो रहा है मेरा कीर्तन। तो देखो मैंने थोड़ा सा माता रानी की खुशी में, मेरे घर राधा रानी का जन्म हुआ तो थोड़ा सा मैं डांस भी कर लेती हूँ। ऐसा है कि ढोलक वगैरह बजती है तो उस पर ज़्यादा पैर नहीं उठता है, ढोलक दूर बज रही थी और मैं अपना वैसे ही मस्ती में झूम रही थी। एक जो भक्ति का रंग चढ़ता है तो इंसान अपने आप ही वो झूमने लगता है, जैसे कि लोग मथुरा वृंदावन में अपने आप ही नाचने लगते हैं, तो वही। तो राधे राधे दोस्तों, बाय बाय। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप लोगों को ये वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को ये मेरा डांस भी कैसा लगा, क्योंकि बस ऐसे ही मैं मटक रही थी, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो बस